सब्सक्राइब कीजिए राकेश वाइजारो चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट ट्रैवल एंड इंटरव्यूज वीडियोस देखने के लिए। हाय गाइस, सो गुड इवनिंग एवरीवन। मैं हूं आज इंडिया के बहुत ही टैलेंटेड टिकटॉक स्टार रियाज के साथ, जो कि टीनेजर्स की जान है। इनकी जो फैन फॉलोइंग है वो है 8 से 18 ईयर्स के बिटवीन। तो जितने भी बच्चे हैं यंग एज के, जो आज के डेट में टिकटॉक में अपना वीडियो बनाते हैं, वो इनको जरूर फॉलो करते हैं और इन्हीं को देख के वो अपने वीडियोस नए नए बनाते हैं। सो ही इज़ दी यंगेस्ट टिकटॉक स्टार दैट वी हैव इन इंडिया। ही इज रियाज अली फ्रॉम विच सिटी? इंडो भूटान। सो ही इज़ फ्रॉम इंडो भूटान। सो रियाज का ये पहला इंटरव्यू है और अभी हम हैं अहमदाबाद में एट अलॉफ्ट होटल। जस्ट इवेंट अभी खत्म ही हुआ है, हम दोनों ही टायरिंग लग रहे होंगे आपको इस वीडियो में, माइंड मत कीजिएगा कि इतने बुरे दिखते हैं, बट थोड़ा टायरिंग के कारण दिख रहे होंगे। तो कुछ क्वेश्चन पूछेंगे जो कि पूरा इंडिया जानना चाहते हैं रियाज के बारे में, जो इतनी फैन फॉलोइंग लड़कियाँ, आज मैं आपको दिखाऊंगा वीडियोज में, लड़कियाँ बहुत रो रही थी जब इनसे मिल रही थी छोटी छोटी बच्चियाँ। तो रियाज, ये कैसे करिश्मा आपने की और कितने महीने में ये करिश्मा होगी इतनी ज्यादा फैन फॉलोइंग आपकी? टिकटॉक में कितने मिलियन फैंस हैं आपके आज के डेट पे? 5.8 है। ओके, और इंस्टाग्राम पे? 800K। सो अराउंड 6 मिलियन फैंस हैं इनके टिकटॉक में, अराउंड 1 मिलियन फैंस हैं इनके इंस्टाग्राम पे। तो कैसे किया आपने और ये कितने महीने में, क्या जादू किया, थोड़ा सारे आपकी फैन फॉलोइंग को बताओ सो दैट वो भी आपकी तरह एक स्टार बन सके आगे। सो गाइस, ऑफिशियली आई स्टार्टेड फ्रॉम अराउंड अक्टूबर। ओके गाइस, so officially it was from October 2018 October. Then I started making videos. I never gave up. I got around 20 likes, 10 likes, even zero. Okay. But I continued to make it. Even I burnt my hair for making the videos. Okay. I remember that. Okay. So guys, I never gave up and now I'm here. So guys, the story is very simple. Keep trying, and you never know when that one hit you will get and you will get the success. So I think that is what you have done, right? So aapki fan following dheere dheere badi ke achanak se kuch bahut hi zyada badh gayi, constantly increasing, not that suddenly it decreases and like that, no. So aaj ke date mein aap pure India mein agar hum dekh rahe, because hum follow karte hain sare TikTok star ko, and I think you are the one jo ki bahut hi rapidly grow kar rahe compared to other TikTok star jo ki aaj ke date pe hain, ek level pe pahunch chuke, but वो स्टैग्नेंट हो गए, वो बढ़ नहीं रहे, अब वहीं पे हैं। बट अभी आपकी हम ग्रोथ देख रहे हैं, दिन दोगुनी रात चौगुनी हमें तरक्की दिख रही है। तो आप अपने फैंस को आगे क्या ऐसा और प्यार देते रहेंगे सो दैट आपको वो और ऐसे ही फॉलो करें और आपको और ज़्यादा प्रोत्साहित करें वीडियोस बनाने के लिए? So guys, मैं तो टिकटॉक बनाते रहूँगा, जहाँ भी जाऊँ मैं टिकटॉक बनाते रहूँगा। जैसे आज मैं यहाँ पे अहमदाबाद में, आई वाज सो टायर्ड बट मैंने वीडियोस बनाई आज की, मैंने अपलोड भी किया है। और जो इतनी छोटी छोटी अगेन आपकी फैंस हैं, जो बहुत ही एज उनकी कम है, 8 से 18 ईयर्स के बीच में, बहुत क्राई लोग रोती भी, उनके लिए क्या बोलना चाहोगे? आई लव यू ऑल, कीप सपोर्टिंग मी सो मच। तो रियाज का हम आप आगे कहाँ देखने वाले हैं? अभी आई थिंक रियाज की एज अभी 15 जस्ट स्टार्ट हुई है एज, अभी तो इज इन स्कूल, कौन सी क्लास में आप ये बताओ अपने फैंस को? जस्ट कंप्लीटेड माय 10th। 10th में गाइस 6 मिलियन फॉलोअर्स ऑन टिकटॉक, माय गॉड, आई थिंक मैं क्या कर रहा था 15 साल की उम्र, भगवान जाने, आई थिंक 15 दोस्त भी नहीं थे मेरे फिलहाल तो उस टाइम पे। ही हैज 6 मिलियन फॉलोअर्स, ऑसम, दैट्स ग्रेट जॉब। रियाज, आप अपने आगे के प्लान्स क्या बताना चाहेंगे अपने फैंस को, क्या आगे के प्लान्स, अभी कैन वी सी ऑन टीवी या मूवीज, क्या प्लान्स है आपके आगे के? इंशाल्लाह आई विल ट्राई इन बॉलीवुड एंड ओके, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। तो आप उसके लिए कुछ वर्क कर रहे हो क्या, ऐसा कुछ? वर्क तो करना पड़ेगा, ऑब्वियसली। बहुत लोग बोलते हैं अरे यार इसके टिकटॉक फॉलोअर 10 मिलियन है, ये तो करोड़ों कमाता हुआ, तो उसके बारे में क्या बोलना चाहेंगे कि ये सच है ऐसा कुछ? ये लोग बोलते हैं जिसके बहुत फॉलोअर से बहुत कमा रहा है, ऐसा कुछ लोग धीरे झूठ है? सुनो गाइस, ऐसा कुछ नहीं है कि फॉलोअर ज्यादा तो कमाते जाते हैं, इट्स ऑल अबाउट पीआई। तो गाइस सिंपल सी चीज है, फॉलोअर्स हैं जिनके, इसका मतलब ये नहीं कि उनको उतने पैसे आ रहे हैं, फैंस का प्यार है, काम अच्छा करेंगे तो उनको काम मिलेगा, जब काम मिलेगा तो ऑब्वियसली अर्निंग भी उनकी एक अच्छी होगी लेवल पे। तो ये रियाज का कहना है। और रियाज, आप अपनी जो फैन फॉलोइंग अभी बना के रखे हैं
उनको कैसे और ऐसे ही प्यार देते रहेंगे, उनके लिए कुछ नए क्रिएटिव वीडियोस भी बनाएंगे कि जो आप कर रहे वही करते जाएंगे। क्रिएटिव तो होंगे सारे वीडियोस ही, मैं ट्राई करता हूं डिफरेंट हो पिछले वाले से, इट शुड बी बेटर देन बिफोर वन, राइट? ऑब्वियसली दैट्स माय मेन मोटिव, पिछले वाले से बेटर हो, लोगों को और ज्यादा पसंद आएगा वीडियो। आपने अपने फैमिली को बताया, जो आपकी फैमिली बोली, आपने बताया कि मेरे इतने फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं, उनका रिएक्शन कैसे आपकी फैमिली? तो पहले से पता था, जब से मैं स्टार्ट किया है मैंने, जैसे मेरे 0 followers, 10 followers, उनको सब बताया कि ऐसे हो रहे, ग्रो हो रहे हैं, दे आर वेरी सपोर्टिव टूवर्ड्स मी, माय सिस्टर इज वेरी सपोर्टिव टूवर्ड्स मी, शी हैज केम मी हियर, मैं अभी आई एम वेरी स्मॉल राइट नाउ, आई नो दैट, ओके, सो बहुत सारी चीजें मैं हैंडल नहीं कर पाता, दैट माय सिस्टर हैंडल्स इट वेरी ओके। और आपके आपके पेरेंट्स का क्या कहना, जो आपके फॉलोअर्स बड़े, आप देख रहे हैं कि आप इवेंट कर रहे हो, इतनी कम कम टाइम में, आई थिंक अक्टूबर से मार्च, आई थिंक जस्ट 5 months ओनली, 5 months, 6 months में फ्रॉम हियर, आई थिंक बहुत सारी सेलिब्रिटीज को इतना प्यार नहीं मिल रहा, बिकॉज आई फॉलो बहुत सारी सेलिब्रिटीज, इतना प्यार जितना रियाज को आज के डेट में मिल रहा है, बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज को नहीं मिल रहा गाइस। तो ये अगेन ऑल द लव टू अगेन टू ऑल द टीनएजर्स जो इतना प्यार दे रहे हैं। और आपकी मम्मा जब आई थी कोलकाता, उन्होंने देखा कि ये सब क्या है, तो आपने क्या एक्सप्लेन किया उनको, कैसा फीलिंग था मम्मा का? यानी ये ऐसे चीजें होती रहती हैं, बड़े बड़े लोग फॉलो कर रहे हैं। कुछ अपना इंसिडेंट बताओ स्कूल का, जहाँ पे बहुत सारे लोग आ गए और तुम्हें भागना पड़ा, ऐसा कुछ हुआ कभी कि नहीं हुआ? ऐसे तो हो रहा है फिलहाल, आफ्टर 2 months मैं स्कूल नहीं गया था मेरे रजिस्ट्रेशन बुलाने के लिए, अच्छा कार्ड ओके, सो मैं 2 months के लिए गैप में था, सो मेरे फॉलोअर्स इंक्रीज हो रहे थे, सो अचानक स्कूल में गया, सब गौर के आके, सो बहुत अच्छा लग रहा था। पहले मैं इग्नोर होता था स्कूल में बहुत ज़्यादा, बिकॉज आई वॉज अ फैट किड दैट टाइम, ओके, एट दैट टाइम आई वॉज फैट किड, सो आई वॉज बीइंग इग्नोर्ड, बट दैट डे इट वॉज लाइक सो ओवरवेलमिंग ना। सो अगेन गाइस, हमने रियाज की पिक्चर्स पहले की देखी है, रियाज थोड़ा मेरी तरह हेल्दी होते थे, बट नाउ ही इज लाइक अ हैंडसम ड्यूड, बहुत ही चार्मिंग क्यूट चॉकलेटी बॉय है, सारी गर्ल इनके लिए पागल है। तो गाइस यू नेवर नो, आप फैट हो कब फिट हो जाओ, मेहनत करते जाओ एंड सक्सेस आपको मिलेगी ही मिलेगी, बट वही है कंटिन्यूटी होनी चाहिए राइट, तभी आपको, आपका भी ऐसा आपका कोई टाइम आया फेज आया जो आप डिमोटिवेटेड हुए फैंस के कारण, कमेंट्स के कारण, यार यार मैं काम अच्छा करो बुढ़ लोग मुझे हेट कर रहे हैं, कभी ऐसा आया अभी तक कि नहीं आया? कमेंट्स तो आते हैं, बट जस्ट ट्राई टू इग्नोर इट एंड कीप वर्किंग, because people will love you, who want, who loves your work, they will love you, jisko pasand nahi usko baahar bhejo। aur aap aapke favorite actor kaun hai? obviously Varun Dhawan and Shahrukh Khan, actress mein Alia Bhatt, Alia Bhatt inki favorite, to kabhi hum dekh payenge aapko aur Alia Bhatt ka TikTok video kabhi aayega lag raha hai, hope so aayega। aur TikTok mein aapka favorite kaun hai? you are a TikTok star, aap bahut acha kar rahe ho, koi to favorite hoga jinko aap shuru mein dekhte rahoge inke videos, are yaar मुझे इनकी तरह वीडियोस बनाने हैं, इनकी तरह हिट होना है, ऐसे पर्टिकुलर नहीं है, मैं सारे जन को फॉलो करता हूँ, सारे जन से इंस्पिरेशन लेता हूँ, ओके, इसके कुछ अच्छे हैं, इसके कुछ अच्छे हैं, ऐसे मैं पर्टिकुलर कोई नहीं है, सारे फेवरेट है जो भी करते हैं। और गर्ल्स में कोई टिकटॉक स्टार आपकी फेवरेट कोई है जिनको फॉलो करते हो, जिनके वीडियोज अच्छे लगते हो, कुछ ऐसा? तो आई थिंक गाइस ही इज द वन, सबसे थोड़ा थोड़ा लेता है ज्ञान एंड अपने वीडियोस बनाते हैं अलग क्रिएटिविटी, दैट इज व्हाट वी शुड डू एक्चुअली, ज्ञान लेने से ही ज्ञान बढ़ता है, ज्ञान बढ़ाने से ही आपके फॉलोअर्स बढ़ेंगे एंड लोगों का प्यार मिलेगा। तो रियाज और चीजें हम पूछने जाएंगे, आपका फेवरेट फूड, फेवरेट सिटी कुछ बताओ, बिकॉज फैंस आपके बारे में जानना चाहते हैं कि आपका पहला एक्सक्लूसिव इंटरव्यू है विद सेलिब्रिटी फेस, तो हम आपसे कुछ और क्वेश्चन पूछेंगे। योर फेवरेट फूड क्विकली बताओ, रैपिड फायर है अभी, रैपिड फायर, यस, मोमोज खाते हैं रियाज, ऑसम गाइस, आपने तो वीडियो ही बनाया चाउमीन मोमोज खाएंगे, तो गाइस हिज फेवरेट फूड मोमोज। फेवरेट सिटी? फेवरेट सिटी इंडिया, नॉट सिटी कंट्री, इंडिया, बिकॉज एवरी सिटी इन इंडिया इज माय फेवरेट, ओके ओके, सो ऑल द सिटीज इन इंडिया इज फेवरेट रियाज की। फेवरेट कलर? ब्लैक, वेरी गुड। आपको ज्यादा ट्रैवल करना किस में पसंद है, आपको बस में, फ्लाइट में, ट्रेन में, किस में ज़्यादा पसंद करते हो? फ्लाइट में, बाइक में वो तो रियाज के पास बुलेट है, आए दिन हम फोटोज देखते ही रहते हैं। रियाज आप अपने फैंस को क्या बोलना चाहोगे, अगर जो उनको मिलना है किसी को आपसे नेक्स्ट टाइम, तो उनको क्या करना पड़ेगा, कैसे रियाज से मिल सकते हैं? सेलिब्रिटी पेज के अकाउंट में जाओ, डीएम योर पिक्चर्स एंड व्हाट्सएप नंबर, वहाँ पे होगा, वहाँ पे फोटो सेंड कर देना और वहाँ से आपका सिलेक्शन होगा। बहुत सिंपल है गाइस, पिक्चर भेजो, सिलेक्शन होगा, आपको इन्विटेशन आएगा शूट करने के लिए।
थैंक यू सो मच रियाज, आपको हमारे साथ कनेक्टेड होने के लिए, ये फर्स्ट इंटरव्यू के लिए। जाते जाते मैं आपसे एक दो क्वेश्चन आपकी सिस्टर के बारे में पूछूंगा। आपकी सिस्टर आपको कितना सपोर्ट करती है? बिकॉज आए दिन आपके टिकटॉक वीडियोस फोटोज देखते हैं, यू गाइस आर वेरी गुड, बहुत अच्छे वीडियोस बनाते हो, भाई बहन का प्यार दिखता है वीडियोस में भी, फोटोज में भी। क्या बोलना चाहोगे अपने सिस्टर के बारे में जो इतना सपोर्ट करती हैं आपको? मैंने कैसे करके छुड़वाया दीदी को वो जॉब, फिर मैंने यहाँ पे लाया दीदी को, बिकॉज दीदी नहीं होती ना तो मैं यहाँ पे नहीं आता। ऑब्वियसली जस्ट 15 गाइस, और इवेंट्स करना इजी नहीं है, अकेले ट्रैवल करना इजी नहीं है, यू नीड सपोर्ट ऑफ पेरेंट्स एंड सिस्टर। सो रियाज की सिस्टर को थैंक यू सो मच सेलिब्रिटी फेज में लाने के लिए, और बहुत सारे इवेंट्स करेंगे हम। थैंक यू सो मच रीजा, एक रीजा यहीं पे, तो रीजा को हम चाहेंगे एक मिनट आ जाओ, एक दो वर्ड अपने भाई के बारे में बताएं, अपने ब्रदर के बारे में। धीरे धीरे आपके ब्रदर इतना आगे बढ़ रहे हैं, कैसा फील होता है? तो गाइस वी हैव द गर्ल रीजा, रियाज की सिस्टर है, टिकटॉक स्टार आने वाली है, अपकमिंग स्टार यू कैन से। रीजा आप बताओ कैसा फील होता है अपने भाई का इतना फैन फॉलोइंग देख के? आज लड़कियां रो रही थी, कैसा लग रहा था आपको? I was literally feeling to cry because एक time था when he used to feel ignored and I was only his friend, मतलब घर पे हम लोग का नोक जोक होते रहता है, but still like जब वो as he said when he was very healthy तो बहुत ignored होता था school में, and I used to tell him कि नहीं हमको उसका acting पहले से had trust, तो मैं उसको बोलती थी तू करते रहे, तू देखना तू एक दिन star बनेगा। तो even last just मतलब मेरा Calcutta निकलने से पहले इसका video मतलब likes आया था, तो मैंने बोला नहीं तू कर, मतलब मैं फिर मतलब उसको मोटिवेट करके गई थी, एंड सडनली कैलकटा में जाके एक हफ्ता बाद ही कॉल मी एंड ही सेड कि दिस हैज हैपेंड, इतना मिलियन फॉलोवर्स हो गया उसको, सो दैट वाज रियली अमेजिंग। दैट्स रियली, जल्दी बॉलीवुड में भी आने वाला है। ग्रेट गाइस, सो वी रियली वांट टू सी रियाज इन बॉलीवुड। ऐसा ही प्यार आप लोग देते रहिए, सारे फैंस उनके वीडियोस को लाइक करिए, कमेंट करिए। एक और चीज पूछने, मैंने एक कार्डबोर्ड लिया, इसमें लिखा है संस्कारी लड़का। रियाज संस्कारी लड़का है कि नहीं ये तो बहुत संस्कारी है, आई स्वेयर बहुत संस्कारी है। okay. लड़की उस पर मरती है बट वो हद से ज्यादा ही सीधा है, मैं okay. उसको बोलती हूँ थोड़ा बिगड़ बट नहीं इसको सीधा ही बन के रहे। तो गाइस अपनी बहन बोल रही है कि भाई तू बिगड़, बट भाई है कि भैया मैं तो सिंपल रहूंगा। सो दैट फनी मोमेंट। और अपने भाई के बारे में और क्या बता दो, भाई आपके कैसे हैं? बहुत आई मीन हो गए, ही इज वेरी गुड क्यूट जेंटलमैन है। कुछ ऐसी इंसिडेंट अपने भाई का जो हम लोग ना जानते हो, फैंस ना जानते हो, रियाज की कोई ऐसी मोमेंट या कुछ चीजें सीक्रेट बता दो हमें भी। गुस्से वाला है, गुस्सा है बहुत ज्यादा, स्पेशली मतलब बाहर के लोगों पे इज नॉर्मल, बट मुझे और मम्मी को देखिए अगर कुछ हो गया तो इसका गुस्सा को कंट्रोल नहीं कर सकता है, हम लोग डर के चुप हो जाते हैं। अच्छा जी, बट आप गुस्सा मत करना हमारे, बस आपकी स्माइल चाहिए, लड़कियां पागल हैं आपकी स्माइल के लिए, दैट बिग स्माइल, वाओ। तो वैसे ही स्माइल करते हैं, गुस्सा आप वीजा पे कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलेगा। थैंक यू सो मच वीजा एंड रियाज फॉर ऑल द लव एंड सपोर्ट टू योर फैंस एंड सेलिब्रिटी फेस। ये जर्नी हम कंटिन्यू करेंगे आपके साथ और भी सिटीज, and ऐसे हम ये इंटरव्यू और भी जगह ले जाएंगे। So guys, do subscribe my channel Rakesh Vaizaro and Celebrity Face India on YouTube for all the latest updates of Riyaz and Reza for all upcoming events and interviews. Thank you so much guys, love you all, keep following the stars and keep loving Celebrity Face India. Thank you so much, bye. Bye.